मेडिकल कॉलेज ने टीम बना दी है और इलाज चल रहा है, सब लोग थोड़ा थोड़ा आईसीयू में भर्ती हैं और मुलाकात का मौका मिला 5 मिनट। कैसी स्थिति है? होश में है, होश में है अपने, और जो उन्होंने हमको दास्तान बताई उसी का है, उनका मानना है और उनका कहना है कि उन्हें खाने में कोई जहरीला पदार्थ खिलाया गया। दूसरी बार हुआ, अच्छा पहले भी 40 दिन पहले एक बार हो चुका है और अभी भी शायद 19 को या 22 को कोई डेट बताए उन्होंने, तब से उनकी हालत खराब है। अब जितनी सहन शक्ति है उससे वो कर रहे हैं, तो फिर भी ऐसी स्थिति में भी कम से कम उनको हॉस्पिटल भेज दिया गया। इसी के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं कि कम से कम इस व्यवस्था में उनको हॉस्पिटल भेज दिया गया। अब हॉस्पिटल में ये और बात है कि कोई आप ज्यादा जानते होंगे बांदा के हो, कौन है? एक सर्जन है और दो उनके सहयोगी हैं जो लोग उनका इलाज कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि यहाँ पे बेहतर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाएगा? ये तय करेंगे वो लोग कि अगर वो पूरी तरह से उनको ट्रीटमेंट नहीं दे पा रहे हैं तो समय रहते मैंने रिक्वेस्ट किया है कि आप इनको रिफर कर दीजिएगा। अरे नीचे करा दी, जहाँ उनका समय हो इलाज कराने। डॉक्टर की बातें और मुख्तार भारत समाचार क्या कर रहे हैं? समानता थी जो आप कह रहे हैं आरोप लगा रहे हैं, तो डॉक्टर भी उस चीज की पुष्टि कर रहे हैं। डॉक्टर ने कहा कि मैं सर्जन हूँ और सर्जरी का कोई केस है नहीं। इनके पेट में जो कब्जियत हो गई थी वो एनेमा लगा था तो आज मोशन हो गया है, हालांकि पेट अभी बुरी तरह से फूला हुआ है, गैस भी है उसमें और अभी ठीक से बोल भी नहीं पा रहे हैं, लेकिन पहचान रहे हैं, होश में हैं और अपनी बात कह ले रहे हैं। क्या रमजान के चलते, रोजे रखने के चलते? अब ये तो आप हो सकती है, ये तो मीडिया को यही बताया गया था और मीडिया ने कुछ देर तक ये खबर चलाई कि उनकी उनके इस स्थिति में होने का कारण रमजान है। अब चलाने वालों के ज्ञान के लिए मैं क्या कह सकता हूँ, ओवर ईटिंग तो कारण बन सकता है लेकिन व्रत कोई है तो ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। सर डिस्चार्ज के विषय में कुछ बताया, डिस्चार्ज कब तक करेंगे? आप कह रहे हैं कि स्वास्थ्य में सुधार है तो कुछ बताया डिस्चार्ज कब तक करेंगे या फिर आगे कहीं कुछ हो? अब मुझे लगता है कि अगर डॉक्टर स्वतंत्र होगा कि उनका इलाज कर सके तो वो अपना डॉक्टर का धर्म निभाएगा और अगर डॉक्टर स्वतंत्र नहीं है तो क्या डॉक्टर ही कहीं ना कहीं दबाव में है? कहीं नहीं, जितनी वर्दी वाले उससे ज्यादा बेवर्दी वाले दबाव में, जिससे ज्यादा LIO है, SOG है, STF है, वर्दी वाले जितने दिख रहे हैं आप देख लो, यहाँ मत खड़े होइए, यहाँ न खड़े होइए, यहाँ नहीं जा सकते, उधर से नहीं निकल सकते, इधर से जा नहीं सकते। तो आपकी डॉक्टर से कुछ बात हुई होगी? मेरी बात हुई है वो एक सर्जन है, मैंने प्रयास किया और कहा और बैठे भी 10 मिनट कि हमारी मुलाकात प्रिंसिपल साहब से करा ली, मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल एक रिस्पॉन्सिबल है, तो वो पहले तो कहे हम बात करा देंगे, फिर कहे मुलाकात करा देंगे, फिर उन्होंने तो मैंने देखा कि जो बेचारा कहीं ना कहीं से बेबस जैसा महसूस कर रहा था वो फिर अंत में उन्होंने कहा कि नहीं हम प्रिंसिपल साहब नहीं मिल सकेंगे। तो मतलब डिस्चार्ज करेंगे आज? ये तो बेहतर बता सकते हैं कि ये जो फोर्स लगी हुई है। अच्छा आप क्या करेंगे सर? डॉक्टर तो नहीं बता पा।